संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सांख्यिकारिका का हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आशा है आपको वीडियो लाभान्वित अवश्य कर रही होंगी। हमने इसमें अहंकार तक जान लिया था। वैसे तो बारी अब मन की आती है, क्योंकि अंतःकरण तीन है, बुद्धि, मन और अहंकार। अहंकार और बुद्धि को हमने जान लिया था। मन को समझाने का मेरा कोई मन नहीं है, कारण है क्योंकि मन को सब जानते हैं। संकल्प करने का जो कार्य करता है वो मन करता है। बाकी जो इंद्रियों की व्याख्याएं दी हैं कुछ कारिकाओं में, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, हम सब जानते हैं उनके कार्य, तो उसको भी ज़्यादा समझाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो सब एक बार पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। मैं सीधे कर्ण पर चलता हूँ। कर्ण के कार्य देखते हैं और अंतःकरण और बाह्यकरण कौन कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये पूरी चीज देख लेते हैं आज। सांख्य कारिका, ठीक है, एक दो इसमें कारिकाएं हैं, मैं दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा, भरसक प्रयास करता हूं अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश करता हूं, और कितना सफल होता हूं ये मुझे नहीं पता। इसमें प्रथम कारिका ले लेते हैं। बोला गया है करणम त्रयोदश विधम, यानी जो करण जो होते हैं, ये बात खत्म हो जाती है करण की, करण जो होते हैं वो त्रयोदश यानी कि 13 प्रकार के होते हैं। करण क्या होते हैं इसको थोड़ा जान लें। साधकतम, साधकतमम करणम, एक सूत्र होता है ना, साधकतमम करणम, उसके द्वारा गए जो साधन साधने में सहायक हो, साधने में मतलब कार्य करने में जो सहायक हो वो कर्ण कहलाता है, साधक तमम करणम। तो जो 13 कर्ण हैं वो किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी का कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात वो कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं। तो इसमें आगे बोला गया है तद आहरण धारण प्रकाश कर्म, अर्थात वह आहरण करते हैं, धारण करते हैं और प्रकाश करते हैं। प्रकाश से तात्पर्य क्या है, ज्ञान से संबंधित है ना, ज्ञान देते हैं। ये तीनों कर्ण क्या काम करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ग्रहण की हुई वस्तु को धारण करने का काम करते हैं, धारण की हुई वस्तु को पहले प्रकाशित करते हैं। अब ये क्रम से नहीं है, क्योंकि ये कार्य का जो बनाई जाती है वो छंद बनाई जाती है, तो इसीलिए इधर उधर हो जाती है। खैर ठीक है, आगे बोला गया है इसमें कार्य क्या है, इनके कार्यम च तस्य, कार्य हो गए तीनों, आहरण करना, धारण करना और प्रकाशित करना, ये इनके दसों के जो 10 कर्ण हैं उनके कार्य हो गए। अब कार्यों को कितने भागों में और बांटा जा सकता है, इसमें बोला गया है कार्यम च तस्य दशधा, अर्थात जो कार्य हैं वो कितने भागों में है, 10 भागों में बांट दिए गए हैं। वैसे कार्य तो 5 ही थे, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो ये इन्हीं के द्वारा जो कुछ होता है इन्हीं के द्वारा होता है, और फिर वो आगे 5 के दो रूप बना देते हैं, दिव्य और अदिव्य के नाम से। दिव्य मतलब क्या होता है, इसमें तो देवता गण के रूप में दे दिया गया है, लेकिन दिव्य के तात्पर्य होता है सूक्ष्म तत्व, अभी मैं इसमें चर्चा करूंगा। दशधा हार्यम धार्यम प्रकाश्यम च, अर्थात 10 प्रकार के जो कार्य हैं वो ग्रहण करने योग्य हैं, धारण करने योग्य हैं और प्रकाशित करने योग्य हैं, अर्थात ज्ञान कराने योग्य हैं, ये इनका तात्पर्य है। विस्तृत में जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। करण 13 प्रकार का होता है, ठीक है, 13 प्रकार के कर्ण कौन कौन से होते हैं ये अगली कारिका में समझाएगा, इसीलिए मैं यहां नहीं बताऊंगा उसको, अगली कारिका में बताऊंगा। 13 प्रकार के जो कर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के कार्य करते हैं, आहरण अर्थात ग्रहण करना, दूसरा है
धारण, धारण करना ही है इसका अर्थ, तो कुछ नहीं है। तीसरा है प्रकाशित करना, इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान। प्रकाशित का मतलब ज्ञान से है, तो ज्ञान देना एक तरह से, बता देना कि ये है। आहरण किसी चीज का, कोई वस्तु है उसको आहरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण कौन करता है। अब यहां थोड़ी सी बात समझने लायक है कि जो कर्ण है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी। प्रकाशित करने का तात्पर्य क्या है, हमें ज्ञान किससे होता है, ज्ञान होता है हमें ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है ना। तो ये पांच क्या हो गई, पांच ज्ञानेंद्रियां। ये अब करण की व्याख्या देख लीजिए, तो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है, कौन सी वस्तु क्या है। इसमें कौन कौन से हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे सारी वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब इनसे ज्ञान कैसे कैसे होता है, तो आप तर्क संग्रह में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, मैंने वहां पर बहुत अच्छे समझाया है, तो तर्क संग्रह में वीडियो में जाएंगे तो दो तीन वीडियो मिल जाएंगे आपको, उसमें बड़े अच्छे समझाया गया है। दूसरे नंबर पर है, जब कोई चीज तुम्हें ज्ञान हो जाता है तो उसका आहरण करना, ग्रहण करना, ग्रहण किया जाती है चीजें, तो पांच होती हैं कर्मेंद्रियां। कितनी हो गई, पांच कर्मेंद्रियां, हाथ, मुंह, हाथ, पांव, उपस्थ, पायु। मुंह से बोलना होता है, हाथ से दान देना या लेना, इसी तरह से बोला जाए, कुछ भी कार्य करिए, पैर से चलना है, पायु जो होता है उत्सर्जन का कार्य करता है, और उपस्थ जो है वो आनंद देने वाला होता है। पायु और उपस्थ से तात्पर्य क्या होता है, थोड़ा सा इसको बता दूं, वाणी, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, ये होते हैं, या इनको हाथ मानिए या पानी मानिए, कुछ ही मतलब जो अर्थ लगाना चाह लगा, हाथ से संबंध है इसका, बोलने से संबंधित है इसका, हाथ से है इसका, पांव से है। पायु जो होता है वो गुदा से संबंध है इसका, अर्थात इसको गुदा बोला जाता है। उपस्थ जो होता है वो जननेन्द्रियां, ठीक है, जननेन्द्रियां होती हैं, उपस्थ जो होती जननेन्द्रियां, इसलिए जननेन्द्रियां का जो कार्य होता है वो आनंद को देना होता है, गुदा उत्सर्जन का कार्य करते हैं, उत्सर्ग मल द्वार जो भी हमने खाते पीते हैं उसको निकालने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। वाणी से बोलते हैं, हंसते कार्य करते हैं, देना लेना, पाद से चलना, ये व्यवस्था है पूरी, ठीक है। तो ये कर्मेंद्रियां हैं, ये चीजों को ग्रहण करती हैं, पहले ज्ञानेंद्रियां ज्ञान देती हैं, उसके बाद वो ग्रहण की जाती हैं। धारण से संबंध क्या है, धारण जब कोई वस्तु कहीं चली जाती है ऊपर, जब वो ग्रहण की जाती है तो मन, बुद्धि और अहंकार, या यूं कहें कि पहले मन, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, इन तीनों को अंतःकरण बोला जाता है। तो तीन ये होते हैं अंतःकरण, इस तरह से कितने हो गए, ये 13। इनके द्वारा उनको धारण किया जाता है, ये इस तरह से बोला गया है, ठीक है। तो करणम त्रियोदश विधि तद आहरण धारण प्रकाश करम, ये समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कार्यम च तस्य दशधा हार्यम धार्यम प्रकाश्यम, अर्थात जो धारण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य और प्रकाश करने योग्य जो विषय हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक, इसमें इस याद रखना,
आहरण भी 10 प्रकार के, धारण भी 10 प्रकार के और प्रकाशित भी 10 प्रकार के होती हैं। कैसे होते हैं? कोई वस्तु आप ग्रहण करते हो तो वो स्थूल रूप में ग्रहण किया जाता है ज्ञान कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो स्थूल रूप में जो चीज मौजूद है वो 5 प्रकार की है, 5 भूत जो हैं वो 5 प्रकार के हैं और उनके सूक्ष्म रूप भी मौजूद हैं, तो 5 प्रकार के वो हो गए। लेकिन यहाँ दिव्य और अदिव्य के नाम से बताया गया है ऐसा, लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ना है, कर सकते हैं जैसे भी याद करना चाहें। तो दिव्य और अदिव्य 2 प्रकार दिए गए हैं, 5 प्रकार के दिव्य माने देवताओं से संबंधित और अदिव्य या लौकिक और अलौकिक, 5-5 प्रकार के ऐसे माना गया है। लेकिन यहां ऐसे भी मान सकते हैं 5 स्थूल और 5 सूक्ष्म। ऐसे ही ज्ञान की बात करें तो ज्ञान इंद्रियों से भी हमें रूप रस गंध स्पर्श इनका ज्ञान होता है, वो भी दिव्य और अदिव्य रूप से 5-5 प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के ये हो गए। फिर उनको धारण किया जाता है मस्तिष्क मन अहंकार और बुद्धि के द्वारा, तो वो जो विषय हैं वो विषय भी क्योंकि ज्यो की तो लिए जाते हैं इसीलिए वो भी हम उनको भी 10 प्रकार के ही मानेंगे। तो सारे विषय है तो एक ही विषय याद रखना भाई, वो जो चीज आपने जिसका ज्ञान किया उसको धारण किया, उसी को ग्रहण किया और उसी को धारण किया, 10 ही विषय थे, इसलिए यहां 10 विषय थे जो प्रकाशित हुए या जिनका ज्ञान हुआ और 10 ही विषय वो जाकर के फिर ग्रहण हुए, फिर वही 10 विषय जाकर के वो क्या हुए, अंतःकरण के द्वारा धारण किए गए, ये इनका तात्पर्य है। तो कार्य कितने हो गए? 10 दा, 10 प्रकार के, 10 प्रकार के धारण करने वाले कार्य, 10 प्रकार के कार्य करने प्रकाशित करने वाले कार्य और 10 ही प्रकार के ग्रहण करने वाले कार्य हो गए, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, दूसरी कार्य का बोला गया है अंतःकरणम् त्रिविधम, अर्थात जो करण जाने थे हमने, अंतःकरण जाने थे, वैसे तो जान लिए 3 प्रकार के, ये कार्य का कह रहा है कि अंतःकरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें तो संख्या बताई है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में उसको और व्याख्या की है। तो अंतःकरण त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं और दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम, मतलब और जो बाह्य होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो अंतःकरण जो माने गए हैं मन बुद्धि अहंकार और बाह्य ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मानी गई हैं, त्रयस्य विषयाख्यम और जो बाह्य करण होते हैं वो सारे विषयों को उठा करके अंतःकरण को प्रेषित कर देते हैं, ये इसका तात्पर्य है। यानी 3 जो बचे हैं उनके लिए भेज देते हैं, ये इसका तात्पर्य इतने का। आगे बोला गया है सांप्रत कालम बाह्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम अभ्यंतरम करणम। सांप्रत कालम बाह्यम, सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, मतलब सांप्रत कालम यानी कि वर्तमान काल में जो होते हैं वो बाह्य होते हैं, बाह्य मतलब बाह्यकरण कहलाते हैं, जो वर्तमान में घटित होती हैं घटनाओं से संपर्क जिसका रहता है वो बाह्यकरण से संबंध है उसका। त्रिकालम अभ्यांतरम करणम, और जो अभ्यांतरकरण है अंतःकरण जिनको बोला गया है, मन अहंकार बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार चित्त भी इसमें सम्मिलित किया जाता था, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये वेदांत में हमने पढ़ा है, चित्त को मन के अंतर ही इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो वो कैसा होता? त्रिकालदर्शी होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या कर दूं,
अंतःकरण त्रिविधम, मन, अहंकार, बुद्धि, ये तीन प्रकार की होते हैं अंतःकरण, ठीक है ना। अंदर की जो करण है वो तीन प्रकार के होते हैं, दशधा बाह्यम, दस प्रकार के ज्ञान इंद्रियां पांच प्रकार की, और कर्म इंद्रियां पांच प्रकार की। दस प्रकार की कैसे होंगे, ये बाह्य हो गए, बाह्यकरण हो गए दस प्रकार के, अंतःकरण हो गए तीन प्रकार के, तो उनको याद रखना है। कर्ण कितने प्रकार के हो गए, तेरह प्रकार के, बाह्य होते हैं दस प्रकार के, अंदर वाले होते हैं तीन प्रकार के। तो जो बाहर के जो कर्ण हैं, बाह्य कर्ण हैं, वो विषयों को ग्रहण करके अंतःकरण को प्रेषित कर देते हैं, अंतःकरण को भेज देते हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ। सांप्रत कालम बाह्यम, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया जो वर्तमान में चीजें होती हैं, जो सामने होती है, जैसे मैं देख रहा हूं किसी वस्तु को तो वो वर्तमान हो गया, मैं सुन रहा हूं किसी वस्तु को तो वर्तमान हो गया, स्पर्श हो रहा है वर्तमान हो गया, कुछ भी हो, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां केवल वर्तमान तक ही सीमित रह सकती हैं, उनका भूत और भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन मन और अहंकार और बुद्धि ये त्रिकालिक होती हैं, यानी कि वर्तमान, भूत, भविष्य, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल में सोच सकती हैं, बात कर मतलब विचार कर सकती हैं। जैसे मैं अभी विचार करने लगूं कि मेरे 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, तो भूतकाल हो गया। आगे का सोचने लगूं कि कल क्या करूंगा, क्या विचार है मेरा कल करने का, इस वीडियो को डालूंगा कल, डालूंगा परसों, डालूंगा कब डालूंगा, ये भविष्यकाल में चला गया। और वर्तमान में अभी बात कर रहा हूं मैं आपसे, वीडियो इस कार्य का को पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान हो गया। तो मुझे अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी ऐसी चीज है जो ना समझ में आई। तो 13 करण थे, बहुत ही सरल विधि से समझाया, बहुत सरल है ये, मैंने बताया सांख्य दर्शन बहुत सरल है, जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर देंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।